कांग्रेस की रीति व नीतियों से परेशान होकर बड़वाह के पुराने कांग्रेसी भदौरिया परिवार अपने करीब 50 साथियों के साथ दिवाली के अवसर पर भाजपा में शामिल हुए। भाजपा प्रत्याशी हितेंद्र सिंह सोलंकी ने सभी कार्यकर्ताओं को पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विकास का प्रयोग और भाजपा की नीति से प्रभावित होकर यह लोग कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए। भाजपा में शामिल होने के बाद भदौरिया परिवार के दोनों भाइयों ने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों से परेशान होकर वे भाजपा में शामिल हुए। भाजपा में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होता है, वो कार्यकर्ता ही सर गोपुरी होता है, लेकिन कांग्रेस में इसके विपरीत होता है। कांग्रेस में पिछले चुनाव में जिसने बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ा था, आज कांग्रेस ने उसे ही अपना उम्मीदवार बना दिया। मुख्य उद्देश्य जो भारतीय जनता पार्टी में आने का यह है कि इसमें जो कांग्रेस में आपने देखा होगा कि कार्यकर्ताओं को गधे और बैलों की तरह यूज किया जाता है। बस कार्यकर्ता ऐसा होता है कि आगे झंडा उठा के चलते, पीछे नेता से अगर सबको हाथ जोड़ ले और ताली बजा के, वो फिर जब कार्यकर्ता वो नेता गाड़ी से उतरता है तो वो जानते ही नहीं कि वो कौन सा कार्यकर्ता था जो उसके लिए झंडा उठा के चल रहा था। तो जबकि भाजपा में देखा गया है कि भाजपा में कार्यकर्ता सर्वोपरि है, कार्यकर्ताओं को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है, कार्यकर्ताओं से हमेशा देखा जाता है कि राय ली जाती है या उनको हर जगह उनका मतलब सम्मान रहता है। जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं है, कांग्रेस में ऐसा है कि अगर अभी जो बागी नेता जो सचिन पुंडा जिसको विधानसभा का टिकट दिया गया, हालांकि इससे पहले जो विधानसभा के उम्मीदवार हैं वरिष्ठ जन उनके उनको ना देके वो इस बागी नेता को दिया गया। बड़वाह से निर्मल दुबे की रिपोर्ट।